नमस्कार मित्रों, मैं सनी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंश स्टडी गुरु में। जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं वो कैसे हो सकते हैं पास, और जिन विद्यार्थियों को कम नंबर आया है उन्हें लगता है कि मैं कुछ बेहतर किया था, उनके लिए गुड न्यूज है। जो सुविधा दी जाती है वो कब होने वाली है और उसके साथ ही में कंपार्टमेंट एग्जाम का ऐलान कब किया जाएगा, कैसे होंगे विद्यार्थी दो सब्जेक्ट में फेल हुए पास, तो दोस्तों इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप या आपके दोस्त या आपके अपने फैमिली मेंबर से कोई भी विद्यार्थी फेल है या किसी के कम नंबर आए हैं और उससे वो टेंशन में रहता हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी समझिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। सरकार ने एक नए नियम लागू कर दिए हैं जिससे कि 12वीं में जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं या हाई स्कूल में जो फेल हो गए स्टूडेंट एक या दो विषय में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा निकाल दिया गया है कंपार्टमेंट की। यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ यूपी बोर्ड के मौजूदा परीक्षा सत्र से नीति लागू करने की तैयारी। यहां पर लिखा है यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की तर्ज पर या इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को भी अब कंपार्टमेंट की सुविधा देने की तैयारी है। इसमें एक या दो विषयों में अगर कोई भी विद्यार्थी फेल है उस सत्र में पास होने का मौका मिल गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी, आगामी बोर्ड परीक्षा से इसे लागू करने की तैयारी होगी। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में अगर विद्यार्थी एक या दो विषय में एक विषय में फेल होता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी के पास उस विषय के इंप्रूवमेंट देने का विकल्प होता है, वह अगर दो विषयों में फेल होता है तो कंपार्टमेंट एग्जाम का मौका मिलता है। इसके तहत वह फेल होने या दोनों विषयों में से किसी भी का एग्जाम देता है और वह पास होता है तो अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। इंटरमीडिएट में यह विकल्प नहीं है, अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षार्थी को सभी विषयों में पास होना जरूरी होता है। दिनेश शर्मा ने बताया कि इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट की सुविधा दी जाएगी जिससे उन्हें हम अपना रिजल्ट सुधारने का एक मौका मिल सके और इस विषयों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। खासकर यह बताया जाता है कंपार्टमेंट में पास होने वाले परीक्षार्थियों को मार्कशीट पर कंपार्टमेंट का उल्लेख नहीं किया जाएगा जिससे कि वो हीन भावना शिकार ना हो सके। बहुत से ऐसे न्यूज आ रही है दोस्तों, बाकी के इस वीडियो को बताएंगे कि आप कैसे आप किस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट की फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, सारा डिटेल्स दोस्तों मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे फॉर्म कितना फीस है, सारा डिटेल्स आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि आपके लिए लेटेस्ट न्यूज है कि आपको अब हाई स्कूल या इंटर एक दो विषय में अगर फेल है तो उनको पास होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।